किलोमीटर दूर स्थित बुलंदशहर में बढ़ते प्रदूषण पर डीएम ने छापामार कार्यवाही की है। टायर जलाकर प्रदूषण फैला रही 5 व्यक्तियों पर बुलंदशहर के जिला अधिकारी रविंदर सिंह ने छापा मारा है, जिसमें से 3 फैक्ट्रियों को प्रदूषण फैलाते समय रंगे हाथ पकड़ उन्हें सीज कर दिया गया है। बुलंदशहर के जिला अधिकारी की माने तो 2-1 फैक्ट्री संचालक के खिलाफ प्रदूषण फैलाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करवाई जा रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इन फैक्ट्रियों को सिर्फ इसलिए सीज किया जा रहा है क्योंकि इन पर प्रदूषण फैलाने का आरोप है। मामले की भनक डीएम रविंदर सिंह को लगी तो डीएम ने खुद ही छापेमार कार्रवाई की और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई कर डाली। छापे के दौरान डीएम को इन फैक्ट्रियों में यह टायर मिले तो ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते थे और इलाके में प्रदूषण फैलाते थे। सिकंदराबाद में सर 3 फैक्ट्रियों को सीज किया गया, सर क्या पूरा मामला, क्या पॉल्यूशन हो रहा था वहाँ पे? आप लोगों को मालूम है कि दिवाली के बाद से दिल्ली और NCR एरिया में वायु प्रदूषण का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। इसमें NGT माननीय उच्चतम न्यायालय, EPCA और राज्य सरकार बहुत ही स्ट्रिक्ट रही है। इस वायु प्रदूषण के कारण पूर्व में 2 बार लगभग स्कूल कॉलेज भी बंद कराए जा चुके हैं। हमने काफ़ी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं, फिर भी पॉल्यूशन स्तर वांछित रूप से नीचे नहीं गया है। आज की रीडिंग लें तो हालांकि 400 से कम है, लेकिन आज भी 372 है। उसी कड़ी में आज हमें सूचना मिली कि सिकंदराबाद में कतिपय इंडस्ट्रीज हैं जहां टायर जला के तेल बनाए जाते हैं, तो हमने पता किया तो थोड़ा सा हमें बताया गया अधिकारियों द्वारा कि उन्हें पूर्व में सूचित किया गया है। फिर मुझे बताया गया कि अभी भी चल रहे हैं, तो मैं स्वयं वहाँ गया। 5 इंडस्ट्री हमने चेक किए। पहला सोमेश्वर एलॉय है, दूसरा RB इंडस्ट्री है, तीसरा TNS इंडस्ट्री है और 2 और चेक किए जो बंद पाए गए। परंतु जो फर्स्ट 2 इंडस्ट्री थे, सोमेश्वर एलॉय और RB इंडस्ट्री, वहाँ पे फर्नेस गर्म पाए गए, जो तार गले हुए, जो टायर गला के जो तार बच जाता है उससे धुआं उठ रहा था। इससे साफ प्रतीत हुआ कि वहाँ जलाए जा रहे हैं, तो उन पे सुसंगत धाराओं में जैसे IP 268 है, 269 है, 278 है, उसमें FIR की कार्रवाई की जा रही है। और एक जो TNS इंडस्ट्री है वो मौके पर चलती हुई पाई गई, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।